हाँ तो इब्राहिम आजकल क्या हो रहा है? आजकल सिर्फ एक ही काम करता हूँ, हयात के साथ रहता हूँ। इससे पहले एडवर्टाइजिंग कंपनी में था। असल में इसने किया ये कि वैन लिया, इस्तांबुल आ गया और इसी वैन को अपना घर बना लिया। जिंदगी को सही मानों में एंजॉय कर रहा है ये। ये तो बहुत अच्छा किया इब्राहिम, अच्छा लगा मुझे। मुझे भी। अच्छा तो कौन कौन सी एजेंसीज में अब तक जॉब की, मतलब एक दो नाम तो बताओ। मैं फ्रीलांस काम करता था उनके साथ, उनकी ख्वाहिश पर मैं उनके लिए काम करता था। तुम्हें मालूम है इब्राहिम गोल्ड मेडलिस्ट है, उस टाइम पर इब्राहिम जैसा काम करने वाला कोई नहीं था। ग्रेट यार, तो ऐसा हीरा हमारी कंपनी को कैसे मिल गया? कितने मेडल्स मिले हैं तुम्हें? क्रिस्टल का एक बहुत बड़ा सेब मुझे दे दिया था उन्होंने। अरे परेशान मत हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, ईफी अवार्ड मिला था मुझे। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो यार, तुम तो एक मशहूर आदमी हो गए यकीनन। हाँ वो तो है ये। मैं अपनी कंपनी के लिए एक बड़े इन्वेस्टर की तलाश में हूँ। जाहिर है इतने एक्सपेंस हम अपने सरमाए से तो नहीं कर सकते। आपकी कंपनी क्या करती है? नेक्स्ट वीक से प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। एक अच्छा पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट तो वैसे भी चाहिए था, तो अगर तुम्हारे जैसा प्रोफेशनल हमारे साथ जुड़ जाए तो क्या बात है। नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। हम किसी की लाइफ में क्यों दखल अंदाजी करें? क्या बात कर रहे हो करीम, हो सकता है इब्राहिम को ये ऑफर पसंद आ जाए। ऑफर का बहुत शुक्रिया, मगर इस फील्ड में मैंने काम करना छोड़ दिया है, दोबारा काम नहीं करना चाहता। नहीं, मेरी बात तो सुनो, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करेंगे, सार्टेक कंपनी के अंदर। 6-7-8 महीने वहाँ पर जॉब करना और जब तुम्हारा दिल भर जाए तो छोड़ देना। क्यों दुरुक, सही कह रही हो ना? बिल्कुल सही कह रही हो, क्यों नहीं हो सकता। वही तो यार, वल्लाह मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता, ये तो बिल्कुल कमाल हो गया। मतलब लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं तो कुछ अच्छा ही होता है। बड़े बूढ़ों ने कहा है ऐसा, माफ करना। एबेक, ये लड़का आखिर है कौन और मेरी होने वाली भाभी पर डोरे क्यों डाल रहा है? इसको अपनी जुबान में समझा दो वरना करीम से बुरा कोई नहीं होगा। तहमुल से करीम, तहमुल से। अभी 2 दिन बाकी हैं।